इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे जिससे आपका होश उड़ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आपको आज 70 करोड़ रुपए दूंगा, क्या आप लोगे? आपका आंसर क्या होगा, हाँ या ना? फ्री में दूंगा, नो रीपेमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली हाँ। लेकिन अगर इसमें मैं ये शर्त जोड़ दूं कि आपको तो 70 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन आप परसों नहीं उठोगे, यानी 70 करोड़ रुपए जो आपको आज मिलेंगे उसको आपको आज और कल में ही खत्म कर देना होगा। जो चाहे वो खरीद लो, जो चाहे वो घर में ला दो, लेकिन आप परसों नहीं उठोगे। तो फिर भी क्या आप चूज करोगे इसको? तो ये एक बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है। 90% लोग एज पर द सर्वेज रिजेक्ट कर देते हैं ऑफर को जब उनको ये पता चला कि मैं परसों नहीं उठूंगा। और 10% ऐसे थे जो ये सोच के उसको एक्सेप्ट कर लिए कि अगर मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरे परिवार को 70 करोड़ रुपए तो मिलेंगे, तो मेरी कई पुश्तें चल जाएंगी उससे। तो आप क्या चूज करोगे? मैं बहुत क्यूरियस हूं ये जानने के लिए कि मतलब आपको अगर ऐसा कोई सवाल पूछे, या फिर असली का मान लो दुनिया में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब फिल्मी बातें हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आप क्या चूज करोगे? लाइफ ज्यादा ये है या फिर 70 करोड़ रुपए? कमेंट जरूर करना। तो सर्वेज में ये पता चला कि 90% ज्यादा लोग रिजेक्ट कर देते हैं पैसे को। मतलब जो लाइफ है, आप जो कल सुबह उठोगे या फिर परसों सुबह उठोगे, आपका जीना वो 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए अपने आप को कभी वर्थलेस फील मत करना, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है, आप जो डेली उठते हो कैजुअली, लेकिन देखा जाए तो वो भी बहुत डीप सी चीज है। कई लोग सो के उठते ही नहीं है। मतलब ये सुनने में फिल्मी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन हल्का लॉजिक है इस बात में। अगर आप देखो तो आपका जो वर्थ है वो मिलियंस ऑफ डॉलर से भी ज्यादा है। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही मतलब वर्ल्ड के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। चिलोटेका रिवर, ये एक नदी था, इस पे एक ब्रिज बनना था। ये रिवर सेंट्रल अमेरिका में मौजूद है। अब क्या है कि इस जगह पर जो भी पुल बनती थी, जब भी कोई टॉर्नेडो हरिकेन आता था तो वो पुल टूट जाता था। तो एक ऐसा पुल बनाना था जो कि बहुत स्ट्रांग हो। तो आखिरकार 1998 में ये पुल जो है ये बनाया गया, और ये जापानीज टेक्नोलॉजी के मदद से बहुत अच्छे से बनाया गया। एक ऐसा पुल बनाना था जो कभी भी नहीं टूटे, चाहे कुछ भी आ जाए। तो फिर क्या हुआ कि इंसान ने अचीव कर लिया एक ऐसा टेक्नोलॉजी पुल का जिससे हरिकेन या फिर किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आखिरकार वो पुल बन गया। फिर एक हरिकेन आया जो कि वहां के सारे रोड्स को तोड़ दिया, सारे ब्रिजेस को तोड़ दिया, लेकिन एक पुल जो रिसेंटली बना था चिलोटेका रिवर के ऊपर, इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुआ ये कि नदी अपना कोर्स ही बदल डाला, और फिर कुछ ऐसा सीन दिखा हमें। ये पुल तो अपने जगह पर था, लेकिन जो नदी था वो शिफ्ट हो गया कोई और धारा पे, बगल वाले इलाके में नदी शिफ्ट हो गया। ये पुल भी आखिरकार यूजलेस हो गया। इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि ये पुल, देखो कितना अजीब सा सीन, इसको फुल स्क्रीन में देखो, पुल इधर है, नदी उधर चला गया और अभी तक यहीं पे है। मतलब पुल यूजलेस हो गया, भले कितना स्ट्रांग हो चाहे कुछ भी हो। इसका मतलब नेचर, प्रकृति, मदर नेचर से ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। ये पुल होते हुए भी अभी यूजलेस है बिल्कुल। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। इस फोटो को आप देखो, आपको क्या नजर आ रहा है? ये कौन है? ये असल में एक रोबोट है जिनको इन्होंने बनाया है। इस रोबोट का नाम शालू है, और ये एक कंप्यूटर साइंस टीचर है दिनेश कुंवर पटेल, जो कि मुंबई से हैं। उन्होंने जो सोफिया रोबोट है ना, जो विदेश में है, उसका एक इंडियन वर्जन बनाया है, आप कह सकते हो। एकदम वैसे ही मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाली, 47 लैंग्वेज ही बोलती है। और ये बनी भी है कोई बहुत कार्बन फाइबर या फिर कुछ एडवांस्ड मटेरियल को यूज करके नहीं, बल्कि ये बनी है वेस्ट मटेरियल, जो लोग कहते हैं ना कचड़ा को यूज करो, कुछ उससे प्रोडक्टिव बनाओ। इन्होंने रोबोट बना डाला कचड़ा से। जी हाँ, ये जो रोबोट शालू है मुंबई की, इनको कचड़े से बनाया गया है। ये बनी है फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स, ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि वेस्ट मटेरियल से बनी है। 47 भाषा ये बोलती है, जिसमें से 9 भारतीय भाषा और 38 बाहर के भाषा बोलती है। टाइम मैगजीन के लिस्ट में जो टॉप 10 ह्यूमनॉइड रोबोट पूरे विश्व भर में है, उसमें ये शालू भी आती है। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। एक कहावत है जो कि आपको सुनना चाहिए कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, ये जो हम लोग चिल करते हैं, इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है स्लीप, यानी सोना। यानी नेटफ्लिक्स का कॉम्पिटिटर स्लीप है। अगर कोई सो गया तो उन्हें देखेगा नेटफ्लिक्स। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, दवाइयों की कंपनीज, उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो उनको हार्म करता है वो है एक्सरसाइज। क्योंकि जो एक्सरसाइज करते हैं वो साइंटिफिकली कई स्टडीज में प्रूवन है कि वो कंपैरेटिवली नॉर्मल से ज्यादा हेल्दी रहते हैं,
और ज्यादा एज तक। कोका कोला का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है पानी। कई लोग का ऐसा आदत हो जाता है कि वो पानी के बदले, खा के जो पानी पीते हैं हम लोग, उसके बदले वो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं कि चलो ये ज्यादा टेस्टी ज्यादा मीठा है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो तीनों चीज है, नेटफ्लिक्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और कोका कोला, ये दोनों पेड है, इनको आप पैसे दे के खरीदते हो। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उसको देखो एक बार, स्लीप, एक्सरसाइज और वाटर, ये तीनों फ्री है। तो जो पेड है उसको तो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो फ्री है और बेनिफिशियल है उसमें लोग आलस करते हैं। दैट्स गजब। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, टुगेदर का मतलब होता है साथ होना। लेकिन जब आप सेपरेट कहते हो, सेपरेट, तो जो पा आया उसमें पा, दोनों लिप्स टुगेदर आते हैं, साथ आते हैं। और जब आप टुगेदर कहते हो, टुगेदर, तो दोनों लिप्स सेपरेट रहते हैं। अजीब विरोधाभास है ना। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। अगर आप कई पुराने आर्किटेक्चर्स को देखोगे, पुराने टेम्पल्स को देखोगे साउथ इंडिया और अलग अलग विदेशों में जहां पर मंदिर मौजूद है, तो आपको कई टेम्पल्स दिखेंगे जिसमें कि ऐसा चेन दिखेगा आपको। एक पत्थर मैं आपको दे दूं, क्या आप उसको काट काट के ऐसा बना सकते हो, एक चेन कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल स्टोन? अजीब लगता है ना, कितना मुश्किल होगा इसको करने में। लेकिन पुराने, आज से हजार साल पुराने जगहों पर, ऐसे हमें कई जगह पर चेन्स दिखते हैं जो कि सिंगल स्टोन से कार्व्ड है। क्या बोलूं अब। ये जो थ्योरी है कि पुराना जो जमाना था वो अभी के जमाने से भी ज्यादा एडवांस था, सुनने में फिल्मी लगता है, फिल्म की कहानी। लेकिन अगर आप एनालाइज करोगे तो वो कई ज्यादा एडवांस्ड एक्चुअली में थे। अगर आप पुराने सिविलाइजेशंस के जो टाउन में ड्रेनेज सिस्टम है ये सब देखोगे ना, तो अभी का जो ड्रेनेज सिस्टम जिसमें थोड़ा सा बारिश होता नहीं कि पूरे शहर में वाटर लॉग हो जाता है, 2023 चल रहा है लेकिन अभी भी जो पानी है वो भर जाता है शहरों में। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यही ना होगा इसका मतलब। क्योंकि अगर एनालाइज्ड और कैलकुलेटेड सिस्टम होता तो वो नहीं होना चाहिए वाटर लॉगिंग। और पुराने जमाने में ऐसे ही अच्छा सिस्टम था एज पर दी हिस्ट्री। बहुत सारा हिस्ट्री तो लुप्त हो गया है, हमें पता भी नहीं कि क्या क्या था, लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन मौजूद है अभी उसके हिसाब से तो वो ज्यादा एडवांस थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे निगमेटिक एग्जाम्पल है पिरामिड। ये वंडर है, वंडर। इसको मशीन से बनाने में सालों लग जाएंगे। एक एस्टिमेट के हिसाब से पिरामिड्स को अगर अभी के वक्त पे बनाया जाए, आज के टेक्नोलॉजी पे, क्रेन्स, हेलीकॉप्टर ये सब लगेंगे बनाने में, और तब भी 5 साल लग जाएगा ऐसा पिरामिड को खड़ा करने में अभी के टेक्नोलॉजी के सहारे से। लेकिन आज से हजारों साल पहले सिर्फ 20 साल में सिर्फ वर्कर्स ने अपने हाथ के मेहनत से इसको खड़ा किया था। 5 साल और 20 साल कोई बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि उस टाइम इंसान अपने हाथ के मदद से बनाए थे पिरामिड को, और अभी तो मशीन और क्रेन यूज होगा जो कि इंसान से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, तब भी 5 साल लग जाएंगे। मतलब कहना ही चाह रहा हूँ कि रिसर्चर्स के हिसाब से अगर वो बनाते हैं इंसान तो उनको 100 साल से भी ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि बेयर हैंड से बनाए हैं। उस टाइम क्रेन हेलीकॉप्टर हुआ नहीं करते थे। अब एलियंस वाली थ्योरी अलग है, लेकिन ऐसा नॉर्मल बात करें तो इंसान ही बनाए थे। तो ये जो पिरामिड है ये अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक थी और रहेगी, क्योंकि ये सही में मिस्ट्री का पीक है ये पिरामिड। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक कितनी सीरियस इशू है? हमारे कई वैज्ञानिकों को अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर से पानी निकलता है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। और ये एस्टिमेट किया गया है कि ग्लोबल सप्लाई का 25% पानी माइक्रोप्लास्टिक से पॉल्यूट हो चुका है। ये तो प्लास्टिक पानी में होने की बात हो गई, जिससे कि बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरी बात ये कि इस दुनिया में जो प्लास्टिक ऐसी फेंक देते हैं कई जगह पर, तो प्लास्टिक को एक्चुअली में अच्छे से डंप करना चाहिए। ऐसे कहीं भी फेंकने से क्या होता है पता है? ऐसा कुछ सीन बनता है कि प्लास्टिक एक्यूमुलेट होते रहता है हर जगह पर धरती पर, तो वो एक्चुअली में एक ओपेक लेयर बना देता है, जिसके चलते क्या होता है कि जब बारिश होता है तो वो पानी ठीक से अंडरग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा तब होता है जब प्लास्टिक ग्राउंड में एक्सेस मात्रा में हो, वो ऐसे दब के लेयर फॉर्म कर देता है मिट्टी में। तो धीरे धीरे ये पूरी तरह से जो चेन है कि बारिश होगा और पानी वापस ग्राउंड में भरेगा, इसको डिस्टर्ब कर देता है। प्लास्टिक बैग्स को बहुत सारे एनिमल्स भी खा जाते हैं, और इसी के चलते एनिमल्स सफोकेट होके मर रहे हैं, ये भी बहुत बढ़ गई है। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट।
क्या आपको पता है कि रबर कितनी बेसिक सी चीज है? रबर से टायर्स बनते हैं जो कि हमारे इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप कंप्यूटर्स के अंदर देख लो, बहुत जगह पर रबर्स का यूज होता है। कैमरा को भी देख लो तो उसमें बहुत पार्ट रबर के होते हैं। तो रबर जो है वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर रबर ना हो तो एक तरह से पूरी दुनिया ही कोलैप्स कर जाएगी। रबर इतनी इंपॉर्टेंट है। और रबर निकलती है पेड़ से मास लेवल पर रबड़ को प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन 19th सेंचुरी के पहले आपको पता है ये सिर्फ ब्राजील में ही हुआ करता था। मतलब ब्राजील का पूरी दुनिया पे मोनोपोली था रबड़ के केस में, क्योंकि वहीं पे पेड़ था और पूरे विश्व में कहीं नहीं था। और वो लोग रबड़ का जो बीज था वो किसी को देते भी नहीं थे ताकि मोनोपोली मेंटेन की जाए। तब जो ब्रिटिशर्स हैं उस टाइम के, वो सोचते हैं कि हम किसी भी तरह रबड़ को पा के रहेंगे। ये ब्राजील दुनिया से शेयर कर ही नहीं रहा है। और आने वाले वक्त में, भविष्य में, यानी उस टाइम के लोग कह रहे थे कि जब 2023-2001 तो ये सब जब आएगा तो फिर तो वही सारा इकोनॉमी को खा जाएगा, रबड़ उसी के पास है। तो फिर ब्रिटिशर्स भेजते हैं इनको, इनका नाम है हेनरी विकम, और ये एक सीक्रेट मिशन पर जाते हैं जिसमें ये रबड़ के बहुत सारे बीज को स्मगलिंग करके शिप के थ्रू ले जाते हैं। ये पहले पर्सन थे जो कि सक्सेसफुली रबड़ को एक्सपोर्ट किए थे इलीगली, क्योंकि वो लीगली तो दे नहीं रहे थे। वो शिप में बहुत केजी रबड़ को लोड किए और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में ले गए, और इस तरह रबड़ पूरे विश्व में फैल गई। तो अब क्या है कि रबड़ का जो प्लांटेशन होता है वो विश्व में हर जगह होता है। अब उसका मोनोपोली किसी के पास नहीं है। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। 5 बिलियन, इस नंबर को आप इमेजिन करो, 5 बिलियन यानी 500 करोड़। तो 500 करोड़ आपको बहुत ज्यादा नंबर लग रहा होगा, लेकिन आपके पास है एक चीज जो कि 500 करोड़ के नंबर में है। क्या है वो? अपना मुंह। आपके माउथ के अंदर जितने बैक्टीरिया है उसको अगर आप काउंट करोगे तो वो 500 करोड़ आएंगे। 500 से 600 करोड़ बैक्टीरिया आपके माउथ में ही रहते हैं इस जगह पर। और स्पीसीज की बात करें, 700 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। मतलब प्रकार की बात करें, एक अलग वैरायटी, तो 700 डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरियाज रहते हैं। लेकिन नंबर्स की बात करें तो वो 5 बिलियन होता है, यानी 500 करोड़। मतलब जिस तरह हम जीवन जीते हैं, हमारा लाइफ है, इंसान का लाइफ है, वैसे बैक्टीरियाज का भी लाइफ है। इतने जीव को, इतने बैक्टीरियाज को आप अपने माउथ में एक घर दे रहे हो। दैट्स क्रीपी गजब। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। अभी भी इस दुनिया का कोई ओल्डेस्ट पर्सन होगा जो कि जिंदा है। जैसे ऐसे कई लोग हैं जो कि 1901 या फिर 1899 में जन्म लिए थे लेकिन अभी तक जिंदा है। और उतना नहीं भी होगा तो कोई ना कोई तो होगा जो ओल्डेस्ट है अभी, जो सबसे बूढ़ा है लेकिन जिंदा है। फैक्ट ये है कि जब वो जन्म लिया था, जो अभी का ओल्डेस्ट पर्सन है हमारे दुनिया का, अभी का ओल्डेस्ट, वो जब जन्म लिया था उस टाइम एक अलग ही सेट ऑफ पीपल था जिसमें से 90% नहीं है, 100 साल से ऊपर कोई रेयरली ही जीता है। यानी 100 साल पहले एक अलग सेट ऑफ पर्सन थे इस दुनिया में जो कि अब नहीं है। इसका मतलब अभी जो हम जी रहे हैं, अभी जो सेट ऑफ पर्सन है, जितने लोग आप जानते हो दुनिया में, जितने लोग हैं, आज से करीब 100 या 110 साल बाद इनमें से 90% लोग जा चुके होंगे। चाहे वो अभी का कोई मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, MLA हो, या फिर आपके हमारे परिवार का कोई सदस्य, या फिर जितने आसपास के लोग देख रहे हो, ये नहीं रहेंगे, फिर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल आ जाएंगे। मतलब ओल्ड सेट, फिर अभी का करंट सेट, और फिर अनदर सेट ऑफ पीपल। ये कितनी अजीब बात है। और एक फैक्ट ये कि जब अभी का ओल्डेस्ट पर्सन जब जन्म लिया था तब अलग ही दुनिया था, अलग ही टेक्नोलॉजी थी। उनके लिए अभी जो हो रहा है वो एकदम, उनको लग रहा है कि जैसे आप अगर किसी ओल्ड एज पर्सन से बात करो तो वो कहेंगे कि दुनिया बहुत बदल गई है, मोबाइल, इंटरनेट क्या है, वो आ गया है, एकदम पलट गया है वर्ल्ड। तो वही आज से 100 साल बाद जब आप और हम बूढ़े हो जाएंगे तब जो जो चीजें आ चुकी होंगी उसको देख के हम कहेंगे कि कितना कुछ बदल गया। हमारे वक्त पे इंटरनेट था, 5G था, 1 GBPS था, 5G साला 150G निकल गया है, अब हम तो बूढ़े हो गए, 150G निकल गया है। हमारे ज़माने में जियो का 5G आया करता था। और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते वो कहेंगे कि निफ्टी हमारे टाइम पर 20,000 के आसपास था, 19-20,000, अब देखो निफ्टी 900,000 पे पहुंच गया है। पॉपुलेशन हमारे टाइम पे बस 700-800 करोड़ की होती थी, यानी 8 बिलियन, और अब 12 बिलियन पहुंच गया है। मतलब दुनिया बहुत बदलती है। चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, और स्क्रीन पे और भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच।